अभी हम लोग क्या करें? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने आपको पहले ही मना किया था, पर तुम मेरी बात नहीं सुनी। सुनो, गलती से भी ना इस थाना पुलिस के बारे में दिमाग में मत लेके आना। अरे अगर सोच लिया ना तो मैं तुम्हारा जो प्राइवेट वीडियो है वो वायरल कर दूंगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जस्ट एक रात बिताना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। और एक काम नहीं करोगे ना तो कल सुबह किसी के सामने मुंह दिखाने की लायक नहीं रहोगे। और तुम्हारा जो बोली वाली पति है उसके साथ बात कर लो, जल्दी डिसीजन ले लो, क्योंकि आज रात को ही तुमको चाहिए। हाँ, अरे गलती से देना, चालाकी मत करना। ओके बाय। दुनिया का कोई भी पति उसका वाइफ को पराए मर्द के पास छूने के लिए भेजेगा? कोई नहीं। और मैं भी नहीं भेजता। और एक हो जाने से पहले मर जाना ही अच्छा है। तो क्या करेंगे? अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों के पास अभी एक ही रास्ता खुला है, और मरना। अब साहिब जब हम किसी के पास मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे तो जिंदा रहने का क्या फायदा? हेलो, आप नीलय बोल रही हो? हाँ, मैं नीलय बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं थाना से बोल रही हूँ। आपका जो फोन चोरी हुआ है ना, वो चोर को हम लोगों ने पकड़ लिया है, तो आप जल्दी में थाना में आइए, हम बोल रहे थे। श्रावणी, हम लोग बात करें, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, हम लोग बात करें। श्रावणी, हम लोग बात करें, हम लोग बात करें।
मत करो ये वीडियो। मत करो, मैं आपको मना कर रही हूँ ना, ये वीडियो बंद कर। दोस्तों अपना पर्सनल चीज दिल में रखना चाहिए, फोन पे नहीं। वर्तमान में ऐसा प्रगति आ गई है जो फोन से हिट जाने वाला हर चीज वापस ले आ सकती है। इसलिए यूज करने वाले मोबाइल को बेचने से पहले सतर्क और सावधानी याद रखना चाहिए।